उसका नाम गांधी है सरकार। मेरा ऐसा मानना है कि जो प्रोजेक्ट लेकर आपके पास आ रहा है वो महाराष्ट्र के लिए, खासकर मुंबई के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कौन है गांधी? सरकार जानकारी के अनुसार बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उसके पीछे। हमारे साथ तो नहीं, लेकिन दूसरों के साथ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं उसने। सुना है कि सीमेंट लॉबी का बहुत पैसा है उसके साथ। कई पॉलिटिशियंस भी उसके साथ मिले हुए हैं। ताकत तो है, लेकिन हमारे पास आ रहा है तो कोई खास कारण होगा। मैंने आपके बारे में कुछ ऐसा सुना है कि आप वही करते हैं जो आपको सही लगता है। मैं भी कुछ वैसा ही हूं। मैंने आपके बारे में यह भी सुना है कि आप फालतू बातों में वक्त बर्बाद नहीं करते। आप कर रहे हैं? I like that. धारावी ईस्ट में एक जगह है जहां हम 20,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बनाने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमें वहां से कम 15,000 लोगों को हटाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इस काम के लिए हमारे पास आपके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन आपके होने से हमारा ये काम थोड़ा आसान हो जाएगा। सरकार होने के नाते उन लोगों पर आपकी पकड़ काफी मजबूत होगी। आप मान गए तो हम दोनों के बीच कुछ अरेंजमेंट हो सकता है। इसमें अरेंजमेंट की क्या बात है? उन लोगों को निकालना है तो उनके लिए कोई दूसरा इंतजाम कर दो। मुनाफा कट जाएगा हमारा। हम बिजनेसमैन हैं और हमें लीडर बनने का कोई शौक नहीं है। अगर वही करना होता तो फिर आपके पास आने की क्या जरूरत थी? आप कुछ ऐसा ऑफर कीजिए जिससे हम दोनों का कुछ हो जाए। गोकुल के कहने पर मैं तुमसे मिलने के लिए इसलिए राजी हुआ क्योंकि मैं भी समझता हूं कि ये प्रोजेक्ट तुम लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन हर अच्छाई की कोई निर्धारित कीमत होती है, वो चाहे पैसा हो, ज्ञान हो या फिर दर्द। दर्द उन लोगों को वहां से निकालोगे तो दर्द हो गए और दर्द की कीमत चुकानी पड़ती है।
अब जब तुमसे हमने सुनी लिया है कि तेरा और तेरे पीछे जो लोग हैं उनका इरादा क्या है, मेरा जवाब भी सुनना। मैं ये नहीं करूंगा। जैसा कि मैंने कहा, आप ही नहीं है जो हमारा ये काम कर सके। और मैं किसी और को करने में नहीं दूंगा। ठीक है, मैंने सोचा ऐसा कुछ हो जाए जहां हम दोनों का कुछ फायदा हो। वैसे अगर आपको थोड़ा ज्यादा चाहिए तो मैं शायद अपने पार्टनर से बात। रमन, रमन, मैंने अपना जवाब दे दिया। आपके बारे में मैंने यह गलत सुना था कि आप समझदार हैं, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में सही सुना। चल निकल, निकल। Love you. Govinda, 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 Govinda. Govinda, 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 Govinda. Sir, मैं अभी वहां से निकला हूं। चीफ मिनिस्टर नायक से, गवर्नमेंट के बाबू लोगों से, और ये पुलिस के लोगों से जो सरकार का गुलामी करता है। सरकार है? अरे कैसा सरकार बाबा, मैं इस सरकार का सब जानता है। सामने गरीबों का मसीहा बनता है और पीठ पीछे धंधा चलाता है, हाथ में माला रखता है और माले के पीछे हेर फेर करता है। इस सरकार का एक ही मंत्र है, राम नाम जपना, अपने बालकनी से निकल के अपने भाड़े के लोगों के सामने यो हाथ हिलाता है। और भाड़े के टट्टू सरकार सरकार सरकार, अरे बाबा इसको जो सही लगता है वही करता है, तो जो इसको सही लगता है वही करता है, तो हम सब क्या चुप? गाली आ रही है मुंह से, इसको हटाना बहुत जरूरी है। अरे ये डेमोक्रेसी है,
मतलब प्रजातंत्र। यहां जनता का राज होना चाहिए, इसने जनता को गुलाम बना रखा है। ये चलने नहीं देंगे। इसने जिन जिन चोरों के पीठ पे अपना हाथ रखा है, पहले उस हाथ को काटना जरूरी है, फिर इसके छाती पे बैठ के इसका गला ले देंगे। सरकार देशपांडे का मुंह बंद करना ही पड़ेगा। आजकल कुछ ज्यादा ही बोलने लगा है। वो क्या बोल रहा है, इससे ज्यादा जरूरी है जानना कि कौन से ये सब बुलवा रहा है। त्याचा फोन आला होता, चिकूला इथे यायचे, चिकू यहां आना चाहता है, अमृताला नाही हवंय की तू ये, पण चिकूला यायचंय हो, त्याला यायला तेरा जस तू समझ गया, मैं समझ गया वो आना चाहता है। हो सकता है रिश्ते में आप मेरे दादा हैं, लेकिन आप मेरे लिए हमेशा सरकारी थे और सरकारी रहेंगे। आप जानते हैं मां को मेरा यहां ना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैंने तय कर लिया है अगर मेरी जिंदगी है तो सिर्फ आपके साथ है। अगर आपकी इजाजत हो तो गोकुल मैं रोहन मेरे खास सबसे खास मैं जानता हूं शंकर चाचा को किन हालात में पापा को मारना पड़ा। कुछ मां ने बताया, कुछ बाहर वालों ने, और उसे काफी किस्से सुन रखे हैं आपके बारे में। सब कुछ सुनने के बाद मुझे लगा आपने जो कुछ भी किया है सही किया है।